फाइनली दोस्तों मुझे मिल चुका है न्यू ऑटो रिक्शा का चीट कोड और साथ ही न्यू एंडेवर का भी चीट कोड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपकमिंग अपडेट्स जो इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में आने वाले हैं, जैसे कि न्यू ऑटो रिक्शा अपने गेम में ऐड होने वाला है, उसके चीट कोड की भी बात करेंगे और इसी के साथ अपने गेम में एक कार है जो थोड़ी सी मॉडिफाई होकर अपने गेम में आने वाली है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना ऑटो रिक्शा है वो दो कलर में अपने आने वाला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ग्रीन और ब्लैक कलर का आने वाला है। इसी तरीके से जो अपनी न्यू कार है वो होने वाली है एंडेवर, उसके भी दो कलर निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि रेड कलर की एंडेवर है जो बिल्कुल ही मॉडिफाई तरीके से अपने गेम में आने वाली है, और इसी के साथ इसका एक कलर और है जो अपने गेम में आने वाला है, वो शायद ब्लू कलर है। तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। आप ये देख लीजिए कि ब्लू कलर की भी एंडेवर अपने गेम में आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग अपकमिंग अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अपकमिंग अपडेट से पहले अपने गेम में एक अपडेट और आया था जिसमें निशान GTR और ZX10R जैसी कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, तो मैं उन सब के चीट कोड भी आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि वो अपडेट भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले निशान GTR का चीट कोड होने वाला है 3005। तो आप अपने गेम में 3005 डायल करेंगे तो आपके सामने निशान GTR लॉन्च हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार के अपडेट में निशान GTR को अपने गेम में ऐड कर दिया गया है। तो इसका मैं कलर भी चेंज आपको करके दिखा देता हूँ। आप किसी भी कलर में इस कार को कर सकते हैं, रेड ग्रीन जो भी कलर इसमें है आप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट ब्लैक कलर है, तो मैं इस कार को ब्लैक कलर में ही रिस्पॉन्ड मतलब ब्लैक कलर में ही कर दूंगा। और इसी के साथ अपने गेम में एक बाइक आ गई थी जो है ZX10R। तो आप 400 डायल करेंगे तो आपके सामने ZX10R भी रिस्पॉन्ड हो जाएगी। तो इसका भी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। और दोस्तों ये मतलब न्यू बाइक नहीं है, इससे पहले भी अपने गेम में ZX10R बाइक थी, बट उसी चीज़ को अपडेट करके इन लोगों ने गेम में दे दिया है। ये वाला कलर मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कोई और कलर इसमें कर देता हूँ। तो हम लोग मिक्स कर दें। हाँ तो दोस्तों ये कलर मेरे को अच्छा लगा। और इसी के साथ अपने गेम में एक बाइक और मॉडिफिकेशन हुई थी, तो वो होने वाली है KTM बाइक। तो आप 12-10 डायल करेंगे तो आपके सामने KTM बाइक रिस्पॉन हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो पुरानी वाली KTM थी और जो नई वाली KTM है इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। तो इसका भी मैं थोड़ी जल्दी से कलर चेंज कर देता हूं और एक बढ़िया से कलर में कर देता हूं। तो फाइनली दोस्तों अपने जो अपडेट थे वो ये वाले थे। और इसके अलावा भी एक और अपडेट आया था जिसमें हम लोग RGS टूल की मदद से कई सारी चीज़ें कर सकते थे, मतलब कोई भी बिल्डिंग कोई भी हाउस को रिस्पॉन कर सकते थे। तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, उसकी चीट कोड भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों रोहित गेमिंग स्टूडियो की तरफ से कुछ दिन पहले अपने गेम में एक अपडेट आया था और उस अपडेट के अंदर हम लोग अपनी खुद की सिटी बिल्ड कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग खुद की पर्सनल सिटी को डेवलप कर सकते थे अपने गेम के अंदर। तो आज मैं आपको वही करके दिखाऊंगा कि आप अपनी सिटी बिल्ड कैसे कर सकते हैं। तो आप RGS टूल पर अगर H1 डायल करते हैं और उसको क्लिक कर देते तो आपके सामने एक न्यू हाउस रिस्पॉन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि भाई साहब मेरे सामने पूरा का पूरा एक हाउस रिस्पॉन हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग H1 से लेके H10 तक डायल करेंगे अगर RGS टूल पर, तो 1 से लेके 10 तक हाउस रिस्पॉन हो जाएंगे। और सबसे मजे की बात यह दोस्तों कि हम लोग इस हाउस को अपनी मनपसंद जगह पर भी रिस्पॉन करवा सकते हैं और उसे मूव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं आपको मूव करके दिखा दे रहा हूं, तो मैं उसको साइड में ले जाता हूं क्योंकि बीच में अगर मैं यहां पे रख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि मैंने अपने जो हाउस था उसको साइड में रख दिया। बट उससे पहले आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे गेम में जो न्यू ऑटो रिक्शा है उसका जो चीट कोड होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। आप वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। और उसी के साथ अगर दोस्तों आप लोग अपने गेम में P1 डायल करते हैं तो आपके सामने प्रोफ्स भी रिस्पॉन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने जो एक पोल है स्ट्रीट लाइट है उसको रिस्पॉन कर दिया है। इसी तरीके से आप P1 से लेके P12 या P13 तक डालेंगे तो आपके सामने अलग अलग तरीके के प्रोफ्स रिस्पॉन होंगे। तो मैं आपको एक चीज एक और डालकर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अपने सामने ये वाला प्रोफ रिस्पॉन हो चुका है, इससे हम लोग कहीं भी रुक सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने गेम में ट्री भी रिस्पॉन करवा सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी हम लोग सिटी बना सकते हैं। मैं आपको टी रिस्पॉन करके दिखा देता हूं। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने दो तरीके के टी रिस्पॉन करके दिखा दिए। इसी तरीके से आप लोग अपने RGS टूल पर T1 से लेकर T6 तक डालेंगे तो 6 तरीके के टी आप लोग रिस्पॉन करवा सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग कंटेनर्स को भी रिस्पॉन करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने RGS टूल पर C1 डाला था और मेरे सामने कंटेनर रिस्पॉन हो गया है। और एक कंटेनर नहीं, हम लोग दूसरा भी मंगा सकते हैं। तो C2 डालने पर हमारे सामने दूसरा कंटेनर भी रिस्पॉन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसी तरीके से 2-3 कंटेनर आप लोग रिस्पॉन करवा सकते हैं। और दोस्तों जो एंडेवर कार होने वाली है वो मॉडिफिकेशन पूरा उसका डन हो चुका है, बस अपने अगले अपडेट में एंडेवर कार अपने गेम में ऐड कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों हाउस के साथ साथ आप लोग कोई भी बिल्डिंग भी रिस्पॉन करवा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप अपने RGS टूल पर B1 डायल करते हैं और उसको क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बिल्डिंग आ चुकी है, एकदम प्रॉपर बड़ी सी बिल्डिंग रिस्पॉन हो गई है। इसी के साथ अगर आप अपने
आरजेएस टूल पर बी टू डायल करेंगे तो हमारे सामने दूसरी तरीके की बिल्डिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं अपने सामने दूसरी टाइप की बिल्डिंग आ चुकी है। इसी तरीके से बी वन से लेकर बी टेन तक अगर आप डायल करते हैं आरजेएस टूल पर तो आपके सामने 10 तरीके की बिल्डिंग्स आ जाएंगी जिससे आप अपनी सिटी बिल्ड कर सकते हैं, पर्सनल सिटी, और उसको सेव भी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आपको किसी चीज को भी हटाना हो, मतलब रिमूव करना हो, तो आप सिंपली ये छोटी वाली गन लेंगे और जिस चीज को आपको रिमूव करना है उस पर फायर कर देंगे। आप गोली चला देंगे और सिंपली वो चीज गायब हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने आप करके दिखा दिया है, सारी बिल्डिंग, सारे कंटेनर और सारे के हाउस भी मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसी तरीके से आपको अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो आप इसी तरीके से अपने गेम में उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपने अपकमिंग अपडेट्स की, क्या क्या आने वाला है। तो अपने गेम में एक न्यू बस रिस्पॉन हो सकती है, अपने गेम में न्यू बस ऐड हो सकती है। ये ऊपर से न्यूज मेरे को सुनाई दी है कि अपने गेम में न्यू बस को ये लोग ऐड करने वाले हैं। इसी तरीके से अपने गेम में ऑटो रिक्शा और जो अपनी न्यू एंडिवर है उसका मॉडिफिकेशन आने वाला है अगले अपडेट में। उसके क्या क्या चीट कोड्स होंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। और जैसे ही अपने गेम में ऑटो रिक्शा आ जाएगा मैं आपको सबसे पहले उसका चीट कोड बता दूंगा। दोस्तों अभी अपने गेम में ऐसा कुछ आया नहीं है लेकिन अपने गेम में आ सकता है आने वाले अपडेट में। अपने गेम में ऑटो रिक्शा और न्यू एनिवर और एक बस रिस्पॉन हो सकती है, बस के अपडेट आ सकते हैं, अपने गेम में ऐड हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने वाली है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कर देना और बता देना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और मैं मिलता हूँ जल्द किसी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।